हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार में हर स्कूली बच्चा एक पौधा साल में अवश्य लगाए। ठीक है, यह एक योजना चलाई जा रही है बिहार में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कि बिहार के हर एक स्कूल के बच्चों को यह शपथ दिलाया जा रहा है कि वे साल में एक पौधा अवश्य लगाएंगे तथा उसमें उसका देख रेख सब कुछ वे खुद ही करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे अपडेट्स। बोला जा रहा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने स्कूली बच्चों को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल करने अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करने का संकल्प दिलाया। ठीक है, सभी बच्चों को यह संकल्प दिलाया कि वे पेड़ पौधों का या तालाबों का देखरेख करेंगे। ठीक है, अन्य जल स्रोतों का प्रदूषण नहीं करने का संकल्प दिलाया, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करें, ये बच्चों को संकल्प दिलाया। ठीक है, बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को गर्दनी बाग स्थित राज्यकृत कमला नेहरू उच्च माध्यमिक प्लस टू बालिका विद्यालय में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ साथ विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी और प्रधान मुख्य वन संरक्षण जवाहर बाबू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों को लेकर संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विभाग के वरीय अधिकारी प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद सिंह, अभय कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर गोपाल सिंह एवं गौरव ओझा के साथ विद्यालय के प्राचार्यों अन्य सम्मानित अतिथि सभी उपस्थित रहे। ठीक है, इस क्रम में कमला नेहरू माध्यमिक प्लस टू बालिका विद्यालय गर्दनी बाग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, आयोजन किया गया, वहाँ भी छात्राओं की शपथ दिलाई गई, वहाँ के भी छात्राओं को शपथ दिलाया गया। ठीक है, बताया जा रहा है कि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और सचिव वंदना प्रेयसी ने बच्चों को दिलाई शपथ। नदी समेत अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करने का संकल्प दिलाया। सभी मंत्रियों ने तथा बड़े बड़े अधिकारियों ने बच्चों को, विभिन्न विभिन्न स्कूलों के बच्चों को शपथ दिलाया कि वे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे ताकि हमारे जो पृथ्वी है उसकी सुरक्षा किया जा सके। पृथ्वी दिवस के अवसर पर यह कार्य किया गया ताकि सभी बच्चे पृथ्वी के प्रति जागरूक हो और वो अपना पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, इसके साथ ख़त्म होता है हमारा नए अपडेट। फ्रेंड्स, और न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।